யூதா நாங்கெல்லாம் ஞாபகத்துக்கான பத்திரி யூசினி மாவதுக்கான தினம் யூட்டு வைங்க ஜல்லா இத்தனை தந்தஸ்தி பண்ணா சாத்தா ஜிஸ்கி பரிசானி மேம் ஆக பூல் ஜாங்க और इतनी मालदारी से अपना चाहता हूं कि मैं सरकश और बिल्कुल शरीर और खुदा को उसको भूल जाऊं। दोनों मुझे रहे, मैं इतनी तंदरुस्ती में मुझे रहे जो अल्लाह को बुला दे। हर वक्त आदमी परेशान हो, फाका है घर में, खाने को नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेगा वो? तो ऐसे ही इतनी मालदारी भी आ जाए कि तीन चार बंगले बन गए और फिर तो टीवी वीसीआर और वीडियो और रेडियो क्या क्या शुरू हो जाए, फिर कहां भरा अल्लाह याद आता। एक वाकया बहुत माजी करीब का है, ज्यादा दूर का नहीं है। कई बंगले हैं उनके, उसी कराची में थे और उनके बैंक बैलेंस भी बहुत था। किसी ने कहा नमाज पढ़ा करो, कहने लगे नमाज तो वो पढ़ता है जिसके पास कुछ न हो, अल्लाह ने से मांगने जाता। मेरे पास तो 60 पुश्त के खाने को है, 6 बंगलों का किराया आ रहा है और बैंक बैलेंस इतना है कि मेरी 60 पुश्त खा सकती है, लिहाजा मैं नमाज तो वो मुर्गे और बिरयानी और पराठे और पुलाव उड़ा रहा हूं, लिहाजा ये सब मौलाना लोगों की बातें मुझसे न किया करो। अल्लाह की शान के अल्लाह का गजब उतरा, मेदे में उनके कैंसर हुआ, पुलाव बिरयानी सब छीन गई। डॉक्टरों के कराची के डॉक्टरों के बोर्ड ने उन फैसला किया कि सिर्फ जौ का पानी, वो भी पेट में सुराख करके ट्यूब के जरिए से एक तोला दो तोला जौ का पानी डाला जाए। सारी अमीनी की इच्छाएं नाक के रास्ते से निकल गई,